हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटर राइड। तो आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ होंडा SP 125 2024 मॉडल, और ये डार्क ब्लू कलर है। इसका रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं लुक्स की बात करते हुए। यहाँ पर आपको लुक्स बहुत ही बढ़िया मिलते हैं होंडा SP 125 के। 125 सीसी कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन बाइक को देखते हैं तो यहाँ पर कट्स एंड क्रीसेस ज़्यादा मिलते हैं आपको, शार्प डिज़ाइन है एज़ कम्पेयर टू शाइन। शाइन बहुत ज़्यादा सिंपल लगती है और कम्यूटर बाइक जैसी लगती है, लेकिन SP 125 में स्पोर्टीनेस का आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है मिक्सचर। यहाँ पर आपको कौल मिलते हैं होंडा के ब्रांडिंग के साथ, टैंक बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर मिलता है, और ये डार्क ब्लू कलर है। ज़्यादातर ये ब्लैक दिखता है आपको, लेकिन ये ब्लू कलर है। धूप में इसके फ्लेयर्स चमकते हैं, और यहाँ पर होंडा के ब्रांडिंग सामने आपको बॉडी कलर मडगार्ड मिलता है, और इसके जो अलॉय व्हील का डिज़ाइन है सबसे अलग आता है इसके सेगमेंट में। देख सकते हैं होंडा में किसी बाइक में आपको ऐसा अलॉय व्हील नहीं मिलेगा जैसा SP 125 में आता है। बाकी यहाँ पर आपको SP 125 की ब्रांडिंग मिलती है, और ये नियॉन कलर में आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं SP 125 के, और सिल्वर कलर के भी स्टिकर्स हैं। यहाँ पर आपको E20 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये E20 पेट्रोल कंप्लाइंट बाइक है ये। और यहाँ पर आपको क्वालिटी लेवल्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। सामने आपको विंडशील्ड मिलती है, LED हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ पर इंडिकेटर आते हैं, नीचे आपको लेग गार्ड मिलेगा, यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं आपको, और यहाँ पर इंजन मिलता है किक के साथ। बाकी आपको साइलेंसर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, क्रोम का डिज़ाइन मिलता है इसके ऊपर, मतलब इसका जो कवर है क्रोम फिनिश में देखने को मिलता है आपको। रियर सेक्शन भी आपको अच्छा मिलता है SP 125 का, और यहाँ पर टेल लाइट है, प्रॉपर मडगार्ड है, और यहाँ पर साड़ी गार्ड देखने को मिलता है आपको। लाल कलर में आपको इसके शॉक अब्जॉर्बर मिलेंगे, और साइड प्रोफाइल की बात करो तो साइड से SP 125 कुछ ऐसी लगती है, अच्छी लगती है SP 125। बाकी आपको लुक्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब चलते हैं सीधा इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। यहाँ पर आपको देखने मिलता है फुल डिजिटल मीटर, इसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, और यहाँ पर देखने मिलता है सेट एंड सेलेक्ट का बटन, इकोनॉमी लाइट मिलती है आपको, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं आपको, ट्रिप वन ट्रिप टू मिल जाता है, और यहाँ पर टैगोमीटर नहीं मिलता आपको, और मोबाइल कनेक्शन या फिर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलता। बाकी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, और यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है अच्छी मिलती है। बटन्स की बात करें तो राइट साइड में देखने मिलता है इंजन ग्रिल स्विच और सेल्फ स्टार्ट बटन, और रियर व्यू मिरर कुछ ऐसे आते हैं, और लेफ्ट साइड में आपको कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम बटन उसी में आता है, और इसके नीचे इंडिकेटर वाला बटन, और इसके नीचे हॉर्न वाला बटन। तो कुछ ऐसा सिस्टम देखने को मिलता है आपको इसके स्विच गियर्स का। सीट कंफर्ट की बात करें तो यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स मिल जाती हैं आपको, और सीटिंग का एरिया आपको अच्छा मिलता है। राइडर के लिए अच्छी लंबी चौड़ी सीट है, और कुशनिंग भी अच्छी है। पिलियन के लिए भी अच्छी खासी जगह मिलती है आपको, और कुशनिंग अच्छी मिलती है, और यहाँ पर प्रॉपर ग्रैब हैंडल मिलता है ब्लैक कलर में, ब्लैक ग्रैब हैंडल है ये। और यहाँ पर क्या है, अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं या फिर टूरिंग करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली, आपको राइडिंग पोजिशन बहुत ही अपराइट मिलती है। देख सकते हैं आप यहाँ पर राइडिंग पोजिशन अपराइट है, तो इससे क्या होता है आपको कंफर्ट लेवल में कोई दिक्कत नहीं आती। टूरिंग के टाइम भी आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, बहुत ही कंफर्टेबल रहती है SP 125। इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर हेडलाइट LED मिल जाती है आपको, कंपनी ने दे दी LED हेडलाइट। इसका इल्यूमिनेशन भी अच्छा मिलता है आपको, और दिखती भी अच्छी है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर हैलोजन वाले मिलते हैं, मतलब बल्ब के आते हैं, और जो टेल लाइट है यहाँ पर ये भी हैलोजन वाली मिलती है, बल्ब में मिलती है टेल लाइट। यहाँ पर एटलीस्ट आपको LED हेडलाइट मिल जाती है होंडा की तरफ से, क्योंकि यूनिकॉर्न इससे महंगी है, उसके अंदर अब तक आपको LED हेडलाइट देखने को नहीं मिलती, लेकिन SP 125 के अंदर आपको LED हेडलाइट मिलती है जो कि अच्छे इल्यूमिनेशन के साथ है। और अपन बात करें टायर्स की, तो यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलते हैं आपको MRF ब्रांड के। सामने देखने को मिल जाता है आपको 80x100 का टायर, 80/100 का टायर है, 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है आपको, 80mm का टायर है सामने, और पीछे मिलता है MRF के ही टायर आते हैं आपको, MRF के ही टायर मिलेंगे आपको। पीछे देखने को मिलता है 80/100 का टायर, 100x80 18 इंच अलॉय व्हील, 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है आपको, और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। पहले इसके अंदर 80x100 का टायर आता था, अब लेकिन 100x80 का मिलता है मोटा टायर। और चलते हैं फ्रंट की तरफ, तो यहाँ पर सस्पेंशंस की बात करें तो सामने मिलता है आपको टेलीस्कोपिक फोक, सॉफ्ट सस्पेंशन है ये, कन्वेंशनल है। और पीछे देखने को मिल जाता है आपको ट्विन स्विंग आर्म, ट्विन शॉक अब्जॉर्बर है पीछे, लाल कलर में है, और ये सॉफ्ट सेटअप के साथ आता है। तो यहाँ पर क्या है, कंफर्ट लेवल जो अच्छा मिलता है आपको इस सस्पेंशन सेटअप की वजह से भी होता है, क्योंकि दूसरे बाइक के अंदर इतना अच्छा सस्पेंशन सेटअप आपको नहीं मिलेगा जितना इसका अच्छा है।
ब्रेक्स की बात करें तो आपको डुअल ड्रम ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और एक ऑप्शन आता है डिस्क का, लेकिन यहाँ पर अपन ड्रम ब्रेक का वीडियो कर रहे हैं तो यहाँ पर सामने आपको 130 mm का ड्रम मिलेगा और दो वायर जाते हुए दिखेंगे आपको क्योंकि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आती है। पीछे का ब्रेक लगाएंगे तो सामने का भी ब्रेक लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, इसलिए कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। और पीछे आपको देखने को मिलता है 130 mm का ड्रम ब्रेक, पीछे आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता लेकिन सामने मिल जाता है। अगर आप डिस्क वेरिएंट लेंगे तो 240 mm का डिस्क मिलेगा सामने आपको। तो ये सब देखने मिलता है ब्रेकिंग सिस्टम। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ मिलता है आपको 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक टू वेल्व BS6 फेस टू कम्प्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि लगभग मैक्स पावर निकालता है 10.87 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर डबल लीवर मिलते हैं आपको गियर शिफ्ट करने के लिए। यहाँ पर आपको गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ मिलेगा, इंजन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा रिफाइनमेंट देखने को मिलती है, मतलब वाइब्रेशंस नहीं मिलते, आपको स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है। इसका इनिशियल पिकअप आपको बहुत अच्छा मिलेगा, अगर आपको सिटी के हिसाब से बाइक लेनी हो तो इसका पिकअप आपको बहुत मज़ा देगा, और अगर हाईवे के हिसाब से बाइक लेनी हो तो आपको टॉप एंड में भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलती है। SP125 की 125 cc के हिसाब से आपको पावर डिलीवरी अच्छी मिलती है SP125 की। अब बात कर लेते हैं माइलेज की, जो कि इसका हाइलाइटेड फीचर है। होंडा SP125 का माइलेज आपको देखने मिलता है 60 से 65 kmpl का सिटी में, और हाईवे पर 70 तक भी चला जाता है इसका माइलेज। माइलेज बहुत ही बढ़िया रहता है SP125 का, आपको माइलेज की वजह से ही इस बाइक की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि 60 से 70 का माइलेज और इतना अच्छा पिकअप, इतना अच्छा डिज़ाइन, तो और क्या चाहिए। और इसका इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, टिकाऊ है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं देता जैसे दूसरे कंपनी के बाइक्स के इंजन देते हैं। तो यहाँ पर इंजन के फ़ायदे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। सीट हाइट की बात करें तो 790 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है आपको। अगर आपकी हाइट 5 फीट 3 इंच या 5 फीट 2 इंच है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, उससे हाइट कम है तो थोड़ा दिक्कत होती है। बाकी ओवरऑल वेट मिलता है 116 kg का, 116 किलोग्राम इसका कर्व वेट है, जो कि लाइटेस्ट वेट है 125 cc में आफ्टर शाइन। शाइन का 114 है, इसका 116 है, तो भी बाइक बहुत ही हल्की रहती है और ट्रैफिक में मनोवर करने में दिक्कत नहीं देती, और लाइट वेट होने की वजह से आपको बहुत सारे फायदे देखने मिलते हैं SP125 के। और यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिलता है आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस विथ मेन स्टैंड साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर। यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस 20 mm ज़्यादा आता तो और अच्छा होता, क्योंकि 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस सही रहता है इंडियन रोड्स के हिसाब से। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा बहुत दिक्कत देता है, क्योंकि बड़े बड़े गड्ढों में जाएंगे तो नीचे मेन स्टैंड को साइड स्टैंड को मार लग सकता है। ये सब देख लो आप, संभाल के चलो अगर आप SP125 खरीदते हैं तब। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर देखने मिलती है 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी। माइलेज के हिसाब से आपको टैंक कैपेसिटी अच्छी मिलती है, और 125 cc कैटेगरी में पल्सर के बाद सबसे बड़ी टैंक कैपेसिटी इसकी ही आती है, तो आपको टैंक कैपेसिटी बहुत ही बढ़िया मिलती है SP125 में। अब बात कर लेते हैं होंडा SP125 की प्राइसिंग की। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर होंडा SP125 ऑन रोड पड़ती है ड्रम वेरियंट 108,638 रुपये के प्राइस पर। 108,638 रुपये में आपको SP125 कैसी रहती है वो अब मैं आपको कंक्लूजन दूंगा। आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं, सबसे पहले तो आपको बढ़िया लुक्स मिलेंगे, दूसरा फ़ायदा मिलेगा LED हेडलाइट का, तीसरा फ़ायदा है फुल डिजिटल मीटर का, और चौथा फ़ायदा देखने को मिलता है इसका बॉडी वेट, और पांचवा फ़ायदा देखने को मिलता है इसका स्मूथ एंड रिफाइंड इंजन, छठा फ़ायदा देखने को मिलता है इसका माइलेज, आपको माइलेज बहुत ही बढ़िया मिलता है SP125 से, और सातवां फ़ायदा देखने को मिलता है सीट कम्फर्ट, आठवां फ़ायदा है आफ्टर सेल सर्विस फ्रॉम होंडा, और नौवां फ़ायदा देखने को मिलता है इसके बढ़िया टायर्स। और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर टैकोमीटर आपको देखने को नहीं मिलता इसके मीटर में, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है LED टेल लाइट का, और तीसरा नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा आता तो और अच्छा रहता। बाकी आपको ज़्यादा कमियाँ देखने को नहीं मिलती होंडा SP125 में। 108,638 रुपये के प्राइस के हिसाब से होंडा SP125 वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है 125 cc कैटेगरी का। तो गाइस आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा SP125 ब्लू कलर 2024 मॉडल का रिव्यू दिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।